हेलो वेलकम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिजनेस टॉक्स और मेरा नाम है साहिल। और ये वीडियो आज की उनको रिलेट करेगी जो जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई कारण उनके लाइफ में अटक जाता है जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबके साथ शेयर करना है। हो सकता है आपको तो कुछ समझ में आए, ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे मगर हम इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप टीवी एंकर बनना चाह रहे हैं, आप ये तो सोच रहे हैं कि मुझे फेमस होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे उसके पीछे का पर्पस जानने की कोशिश हमने की। जी हाँ, सबसे बड़ा रीजन है हमारे इंप्लीमेंटेशन ना करने का कि हमारे डिजायर्स में कमी है, हमारे पर्पस में कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैक्सिमम लोग पैसा सोच के काम करना चाहते हैं कि टीवी एंकर बनेंगे तो फेमस हो जाएंगे, पैसा आएगा, हमें लोग जानेंगे, यूट्यूब चैनल खोलते हैं कि लोग हमें जानेंगे, उससे यूट्यूब से पैसा आएगा, हर चीज में हम पैसा दिमाग में लाते हैं और इसीलिए कोई काम नहीं हो पाता। मनी, पैसा हमेशा बाय डिफॉल्ट आता है। आपको अपने अंदर का पर्पस जानना है, पर्पस ढूंढना है, अपने अंदर का डिजायर ढूंढना है, तब वो काम सक्सेसफुल कर पाओगे आप, तब वो इंप्लीमेंट कर पाओगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई, जनरेट की गई, अगर ये सोचा होता कि पंखे बनाने हैं तो आप काम नहीं कर पाते। फैंस कैसे चलेंगे, पंखे कैसे चला पाओगे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, ट्यूबलाइट्स या एलईडी लाइट्स कैसे चला पाओगे जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। उनको बनाने के पीछे पर्पस मेन क्या था है? एक पर्सन का, साइंटिस्ट का, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो डिजायर थी जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रन करते हैं आज। एयरप्लेन, अगर एयरप्लेन बनाने का सोचा होता तो एयरप्लेन कभी नहीं बनता। डिजायर क्या था कि मुझे हवा में उड़ना है, मुझे अपना टाइम टेबल को कम करना है, वो कैसे होगा, तो उस सोच के उस डिजायर के साथ वो काम शुरू हुआ। वो पर्पस था मुझे हवा में उड़ना है, तब जाके वो उसका डिजाइनिंग शुरू हुई और एयरप्लेन बना। ऐसे लाइफ में बहुत सारे पर्पस हैं। कार, व्हीकल, व्हीकल कैसे बना, मेरा टाइम ट्रेवल कम हो, टायर्स का जनरेशन हुआ, उसमें व्हीकल में लगने वाले इक्विपमेंट्स का जनरेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर हुआ, कुछ भी आप नाम बोल सकते हैं उसके लिए। ये सब पर्पस डिजायर की वजह से अंदर से इंप्लीमेंटेशन बाहर आता है। तो अपने डिजायर्स को ढूंढो। अगर आप आरजे बनना चाहते हो, अगर आप टीवी एंकर बनना चाहते हो या कोई भी और काम करना चाहते हो, जॉब, बिजनेस, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, पहले डिजायर क्लियर करो, डिजायर ढूंढो कि क्यों करना चाहते हो। अगर फेमस होना है, फेमस इज नॉट अ डिजायर। अगर लोगों की मदद करनी है, टीवी एंकर बनके के कोई ना कोई किसी को दुख पहुंच रहा है, उसका दुख दूर करना है, किसी की दुनिया की हेल्प लेके, तो एक ये डिजायर है, ये पर्पस है, तो ही वो काम कर पाओगे। तो इंप्लीमेंटेशन ना करने का सबसे बड़ा कारण है आप लोग अपना पर्पस नहीं ढूंढ रहे हैं, आप लोग अपने अंदर के छुपे डिजायर को नहीं ढूंढ रहे हैं। उसको ढूंढिए, इंप्लीमेंटेशन अपने आप हो जाएगा, सारे डर खत्म हो जाएंगे। सो इन द एंड मेरे को बस इतना ही कहना है, आप लोग अपना डिजायर ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या गलती कर रहे थे अपनी लाइफ में, या आपके पास डिजायर है, आपको पता है ये ही मेरा पर्पस है और फिर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो लेट्स डिस्कस इन फ्यूचर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।